अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार संबोधित करेंगे। मैं जिला अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि पत्रकार वार्ता की आगे भी सब पत्रकार जनों को बताए कि सरकार की उपलब्धियाँ और इसमें हम सबके बीच में हमारे मंत्री जी उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे युवा मोर्चा के समय से हमारे नेता रहे और मध्य प्रदेश शासन में कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी भाई साहब आज देवास में सरकार की उपलब्धियां और सरकार के आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने के लिए आ जाए। साथ ही हमारे देवास जिले के देवास नगर के समस्त सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सरकार जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता के बीच में जाकर जिस प्रकार से जन आशीर्वाद जनता की है और पूरी विस्तार से इस पत्रकार वार्ता के संबंध में आदरणीय हमारे मंत्री जी कमल पटेल जी भाई साहब आपको संबोधित करेंगे। चामुंडा की नगरी देवास में माँ चामुंडा को प्रणाम करते हुए हमारी मार्गदर्शक की बहन को प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवास जिले के यशस्वी अध्यक्ष अंडरवाल जी और हमारे सभी पदाधिकारी तथा पत्रकार मित्रों, विधानसभा चुनाव 2023 का संक्रांत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए 9 साल में वो ऐतिहासिक है। अभी जो महिला सशक्तिकरण करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मोदी जी का मंत्र है उसको चरितार्थ किया सरकार। अभी राज्यसभा में सर्वसम्मति से हमारा नारी बंधन बिल, जिसमें 33% लोकसभा में और 33% विधानसभा में हमारी मातृशक्ति को, बहनों को, महिलाओं को देने का जो बिल लेकर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सर्वसम्मति से पारित हो रही साबित कर रहा है कि हमारी नीतियों को विपक्ष ने भी स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और वो देंगे मंत्र जीत का, क्योंकि असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी जी है। आज मोदी जी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। जैसे मोदी जी का सम्मान नहीं है, हम सबका सम्मान है, भारत का सम्मान है। इस जन आशीर्वाद यात्रा में हमारी 5 यात्राएं भगवान राम चित्रकूट चित्रकूट से प्रारंभ हुई, उनका आशीर्वाद लेकर और एक नीमच, श्योपुर और खंडवा ऐसे 5 स्थानों से मंडला हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के सारे नेता ने इसका नेतृत्व किया और 25 लाख से भी अधिक मतदाताओं से सीधे जुड़े। इसके अंदर 10,643 किलोमीटर लंबी यात्रा सफल रही और 1,000 स्वागत स्थल, 670 से अधिक रथ सभाएं और 200 से बड़ी सभाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाकर जो महिला बिल 27 साल से अटका हुआ था उसको एक झटके में पारित कराया और सर्वसम्मति से पारित कराया राज्यसभा। इससे यह साबित होता है कि विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और सहमत है, उसने सर्वसम्मति से पास हुआ। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिलाएं भी देश के विकास में अपना योगदान देकर उनको सम्मान देने का काम किया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार को और पूरी संसद को बधाई देता हूँ। आपने कहा असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी, असंभव को संभव करने का नाम नरेंद्र मोदी है।
नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम नरेंद्र मोदी है, जो भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अच्छा बताओ, भारत में कोई कल्पना कर सकता था कि पकड़ लिए थे कोई काम हो सकता है? राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में जाते थे 15 पैसे हो जाते, और मोदी जी ने तकनीक का उपयोग करके जनधन खाते खुलवाए और पूरी की पूरी राशि जारी, अब 1 पैसा भी कोई बीच में नहीं खा सकता। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, इसको ही कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन। जहाँ शौचालय नहीं बने थे 60 साल में, एक जहाँ 60 साल में एक पक्का मकान नहीं था, एक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, गरीब के इलाज के लिए तड़प तड़प के मर जाते थे, कर्ज में डूब आत्महत्या करते थे, पैदा कर्ज में होते थे, घर में गरीब मरता था। लेकिन मोदी जी ने शौचालय, लाखों करोड़ों मकान और घर हर घर नल से जल और 5 लाख हर परिवार को इलाज देकर एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, साहूकारों के चुंगल से आजादी दिलाई है। और इसलिए मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी जी के सपनों को नकली गांधी बनकर कांग्रेस ने मंत्री परिवार ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया, स्वच्छ भारत किया, रोटी कपड़ा और मकान दिया, और भारत को शक्तिशाली मंत्री जन आशीर्वाद के स्थान पे तीसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनाने की ओर हम अग्रसर है। निकालने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती? नहीं, ऐसा है, जनता का आशीर्वाद तो हर 5 साल में लेना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस को खत्म हो गई और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तो तड़प रही, कैसे पानी से मछली को निकाल दो तो रेत में तड़पती, ऐसे तड़प रही है। लेकिन अभी हाय छाती पीटते रहे, अब कभी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि धोखा देकर एक बार जीत सकते दोबारा कभी नहीं, और इन्हें धोखा दिया, इन्हें वचन को भी झुटला दिया, इसलिए आप जनता इन पे कोई विश्वास नहीं कर रही। दूसरा, इनके जो दो मुद्दे थे, ये फार्म भरवाना थे, 1500 देंगे, अब फार्म भरवाना बंद हो गया क्योंकि शिवराज जी ने दे दी है। इन्होंने कहा था 500 केस की टंकी देंगे, पोस्टर लगा दिए थे, वो हमने 450 में कर दी। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, कांग्रेस ही तो पकला रहे, सटिया गए कि अब करें क्या, सारे काम हो गए। और चलिए, जनता पब्लिक कहती है मेरे क्षेत्र में 1500 रुपए के फार्म भरवाने के रहटा खुर्द करके गाँव है, वहाँ गए, मैंने कार्यकर्ता से पूछा क्या हुआ, तो वो महिलाओं ने फार्म भर दिया, कुछ बंद पड़ती बेचारी 1500 के, तो हमारे कार्यकर्ता को हमने भेजा, मैंने कहा उनसे बोलो कि 1000 चाहिए कि 1500 दो में से एक लेने होगा, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हमको 1000 अभी चाहिए, 1500 वाले नहीं, और उन्होंने होली जला दी उसकी। तो ये हालत है कांग्रेस के, 1500 के इनकी होली जल रही है। लेकिन जन आक्रोश, अच्छा बताओ, 3.5 साल तक आ गई कांग्रेस दुखी हुई थी, जब बारिश आती है तो मेंढक के टिटर करती है, तो ये कांग्रेसी मेंढक के टिटर करने लगी है, आक्रोश जनता का इनके ऊपर है। और इसलिए इस विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस, आपके ऊपर जनता आक्रोश करेगी, क्योंकि तुमने कहा था 2 लाख का करने माफ करेंगे क्या नहीं। एक सवाल है, पिछले दिनों आपके साथ अभद्रता हुई थी थाने पर, आपने कहा था पूरा थाना सस्पेंड हुआ होना चाहिए, लेकिन होमगार्ड का जवान भी सस्पेंड हुआ, जांच कहाँ है? देखिए, नहीं ऐसा नहीं, मैं एक रास्ते से जा रहा था, मैं वहाँ गया तो मुझे रास्ते में गांव वाले ने रोका कि अभी 5 एक्सीडेंट हो चुके, 5 दिन से एक मैं खड़ा है, पुलिस ने हटाया नहीं, जबकि 1 किलोमीटर दूर जा रहा है। मैं थाने में पहुंचा, थाने में पहुंचने के बाद में पता किया तो टीआई जो थाना प्रभारी था वो छुट्टी गया हुआ था, एक सप्ताह से आया ही था उस समय। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा इस तरह से थाने के पास में कौन कौन की ड्यूटी थी उनको हटा, और उसके बाद में मैंने एसपी को निर्देशित किया और 9 अटेस्ट में जो जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी थे और उसकी जाँच हुई। लेकिन जो गाँव वालों ने बताया था कि 5 दिन से ट्रक खड़ा था, उनका कहना था कि 1 ही दिन हुआ था, लेकिन 1 दिन भी हुआ तो क्यों हुआ, तत्काल उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और हमने कार्रवाई की। अंतिम अंतिम सवाल, कांग्रेस जनता को आशीर्वाद देने की यात्रा है, पार्टी जनता को आशीर्वाद देने की यात्रा है, तीन बार बोले, सुनो। देखो भाई, हमसे छोटे हैं उनको हम आशीर्वाद नहीं देते, बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, बच्चे हैं उनको आशीर्वाद देंगे, हमने बेटियों को आशीर्वाद दिया है, हमने बच्चों को लैपटॉप देकर उनको उनको स्कूटी देकर उनको आशीर्वाद दिया, तो उसमें गलत क्या है? हम आशीर्वाद लेते भी हैं बड़ों से और छोटों को देते हैं, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन ये जनता का 5 साल में आशीर्वाद लेने के लिए आता है, जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है और शब्दों के ऊपर मत जाओ मेरे भाई। भैया, क्या बन्नों से लेने का इरादा है आपका, सुनने मारा है? नहीं नहीं, देखो मैं हरदा से लगातार 1993 से हूँ और हरदा और कमल वाले एक दूसरे के पर्याय है, और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश देगी वो हम तो कार्यकर्ता उसके अनुसार काम करते हैं। हमने कभी टिकट मांगी नहीं आज तक, ये भारतीय जनता पार्टी है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख।